What is cell made up of? What is the structural organization of a cell? We saw above the cell has special component called organelles. हम लोग ने ऊपर देखा कि सेल में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे ऑर्गेनेली कहते हैं. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? कैसे एक सेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है? इफ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जब हम लोग एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि उसमें तीन फीचर होते हैं. हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर. कोई भी एक सेल इंटरैक्ट करता है क्योंकि एनवायरनमेंट से, इस सब के पीछे कारण है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का. लेट अस सी हाउ. चलिए देखते हैं कैसे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होता है, सेल का बाहरी पार्ट होता है जो कि कंटेंट, सेल के कंटेंट को सेपरेट करता है बाहरी वातावरण से. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन इट एंड आउट ऑफ अ सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है कोई भी बाहरी मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड सेल के जाने में. इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. ये कुछ और मटेरियल का भी मूवमेंट को प्रिवेंट करता है. द सेल मेम्ब्रेन देयर फॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन टू द सेल? हाउ डू द सब्सटेंस मूव आउट ऑफ अ सेल? एक सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे सेल में टेक प्लेस होता है? सब्सटेंस का मूवमेंट सेल के अंदर कैसे होता है और वो सेल के बाहर कैसे जाता है? सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेम मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. कुछ सब्सटेंसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस घूमते हैं. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. वी हैव सी दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट इज कंसनट्रेशन इज लो. हम लोग ने ये देखा है कि ये मूवमेंट सब्सटेंस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ होता है. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल. फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड. एक सब्सटेंसेस है CO2 जैसे जो कि एक सेलुलर वेस्ट है और रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, और ज़रूरत होती है कि उसे सेल से बाहर निकाल देने की. वो एक्यूमुलेट करता हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल के. इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो CO2 का कंसेंट्रेशन हाई होता है और सेल के इन्वायरमेंट के बाहर उसका कंसेंट्रेशन लो होता है, इसी कारण से वो उसे बाहर निकाल देता है. एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि CO2 का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सेल के बाहर कम होता है, तो इसी प्रकार वो सेल के बाहर चला आता है. सिमिलरली O2 इंटर्स सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस. इसी प्रकार से O2 जो है ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर इंटर करता है जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है. दिस डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो एक महत्वपूर्ण का अपना रोल अदा करता है गैस को एक्सचेंज करने में सेल के आउटसाइड सेल में और सेल के बाहर इन्वायरमेंट के साथ. वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. पानी जो है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स
through such a selectively permeable membrane is called osmosis. The पानी के मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से में जो होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. पानी का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो अफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट पे जो कि पानी में डिजॉल्व हो. दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. तो इसी प्रकार ऑस्मोसिस जो है एक पैसेज ऑफ वाटर है जो कि हाई वाटर कंसंट्रेशन से मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करता है रीजन टू ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ एनिमल सेल और प्लांट सेल इन टू अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. क्या होगा जब हम एक एनिमल सेल या प्लांट सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट में इन वाटर में रख देंगे. तो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस सच एज सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर कोई मीडियम है जो पानी का सेल के बाहर उसके वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो वाटर का सॉल्यूशन पानी से बाहर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, तो सेल वाटर को गेन कर लेगा बाय ऑस्मोसिस और इस प्रोसेस को हाइपोटोनिक कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल दैन विल लीव. द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कि फ्री होता है मूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में कि बाहर अंदर दोनों डायरेक्शन में, बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन लीव. पर ज़्यादा पानी आएगा, पानी सेल के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा ना कि घटेगा, घटने की तुलना में बढ़ेगा. और ये होगा कि अंत में हम लोग देखेंगे कि सेल स्वेल अप कर जाता है. इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्ट द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. अगर कि मीडियम का वाटर कंसंट्रेशन सेल के वाटर कंसंट्रेशन के बराबर है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सच सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. उस सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इट इज सेम एज अमाउंट गोइंग आउट ऑफ इट. पानी जो है दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है, जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा और सेल जो है सेम साइज में रहेगा. इफ द कंसंट्रेशन मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन अ सेल मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. अगर मीडियम का वाटर लेवल है जो कंसंट्रेशन है वो सेल के वाटर लेवल से कम है, सेल के वाटर कंसंट्रेशन से कम है, तब सेल जो है अपना पानी लूज करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू और इस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अगेन वाटर क्रॉसेस द लेवल लेवल सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल दैन इंटर इट. इसके डायरेक्शन में होगा कि सेल मेम्ब्रेन में पानी दोनों तरफ जाएगा पर सेल मेम्ब्रेन वाटर ज़्यादा लूज करेगा जितना पानी के अंदर जाने की तुलना में. Therefore, cell will shrink कर जाएगा. Thus, osmosis is a special case of diffusion through the selectively permeable membrane. Osmosis एक special case है diffusion का through a selectively permeable, कुछ एक selectively permeable membrane की तुलना में. Activity 5.3. Osmosis with egg. अंडा के साथ osmosis. Remove the cell of an egg by dissolving it in a dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid में हम लोग डाल के एक का सेल को हटा लेंगे. द सेल विल मोस्टली सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट. सेल जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा. अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेस द एग. उसके जो एक आउटर स्क्रीन है वो एग को क्लोज करेगा. पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सेल विल एग विल स्वेल अप बिकॉज वाटर पासेज इन टू बाई इट बाई ऑस्मोसिस. उसके बाद कुछ देर के लिए हम लोग उस अंडे को पानी में रख देंगे और 5 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि अंडा फूल गया है क्योंकि उसमें पानी पास किया
बाय ऑस्मोसिस के थ्रू. प्लेस अ सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कंसेंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट. इसी प्रकार हम लोग बिना अंडे का छिलका छीले हुए उसको पानी में रखेंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे. द एग श्रिंक्स. व्हाई? वाटर पासेज आउट ऑफ एग सॉल्यूशन, निकल जाएगा उसे, और क्योंकि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था बाहर में. व्हाट कैन वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी फॉर ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट. पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम्स. किशमिश को अब हम लोग पानी में, सादा पानी में डालेंगे और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे. देन प्लेस देम इन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट. उसके बाद उसको निकाल के शुगर या शुगर के सोल्यूशन या सॉल्ट के सोल्यूशन में रखेंगे. यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग. हम लोग ये देखेंगे. ईच गेन वाटर एंड स्वेल वेन प्लेस्ड इन वाटर. हम लोग ये देखेंगे कि वो पानी में जब रखा हुआ था तो वो स्वेल किया. However, when placed in a concentrated solution, it will lose water and consequently shrinks. और जब वो salt solution या sugar solution में रखा हुआ था तो उसके पानी लेकर पानी अंदर से ख़त्म हो गया था और वो shrink कर गया. Unicellular fresh water organism and most plant cell tends to gain water through osmosis. Unicellular fresh water organism जो होते हैं like algae है, ये सब वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू. ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. पानी का एब्जॉर्प्शन प्लांट के रूट द्वारा जो किया जाता है वो भी एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का. थस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल. डिफ्यूजन जो इम्पॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैस और वाटर, गैस और पानी का चेंज करने के लिए एक सेल के जिंदगी के लिए. In addition to this, cell also obtain nutrition from its environment. और इसके साथ साथ यह भी है कि एक सेल एक न्यूट्रिशन ऑप्टेंट करता है वातावरण से. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यूजिंग द रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. अलग अलग मॉलिक्यूल सेल के बाहर अंदर मूव करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू, और जो थ्रू यूजेज ऑफ एनर्जी एनर्जी का यूज़ करके. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक फ्लेक्सिबल लिक्विड्स फ्लेक्सिबल होता है और ये मेड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसको लिपिड और प्रोटीन कहते हैं. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व डैट स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल दैट द सेल इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और इस फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वह इनेबल करता है सेल को फुल मतलब कि भोजन के अंदर फूलने में या अदर मटेरियल्स में इसके बाहरी वातावरण से. सच प्रोसेस इज नोन एज इंडोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस. अमीबा जो है इसी प्रोसेस से अपना फूड को एक्वायर करता है.